ऑनलाइन कंपनियां गलत तरीके से माल लेके बाजार में बेच रही हैं, लाभ पूरा कमा रही हैं जो विदेशों को जा रहा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग दुकानदारों का व्यापार चौपट कर रहा है। जिस तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग शहरी क्षेत्र के बाद ग्रामीण क्षेत्र में पैर पसार रहा है, उससे व्यापारी खासा चिंतित है। बिजनेस की इस नई तकनीक से परेशान व्यापारियों ने आज SDM कुंडा को ज्ञापन सौंपा। कुंडा, मानिकपुर और बिहार के सैकड़ों व्यापारी कुंडा तहसील पहुंचे और ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन SDM कुंडा को सौंपते हुए अपनी मांगे रखी। ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन किस लिए आप लोगों ने दिया, इसके बारे में बताएं। आज पूरे देश में व्यापारियों की अर्थव्यवस्था चमराती हुई चली जा रही है। पूरे देश में 7 करोड़ व्यवसायी हैं, लेकिन ये ऑनलाइन खरीदारी के कारण ये बाहरी कंपनियां जो है आके हमारे व्यापारियों को खोखला कर रही हैं। हम लोग इस बात का व्यापारी विरोध कर रहे हैं कि हमारे पास तरह तरह के खर्च हैं, टैक्स हैं, ये ऑनलाइन कंपनियां गलत तरीके से माल लेके बाजार में बेच रही हैं, लाभ पूरा कमा रही हैं जो विदेशों को जा रहा है। हम चाहते हैं कि इन कंपनियों के साथ सरकार इतना टैक्स लगाए कि जो हमारे व्यापारी हैं, हिंदुस्तान के व्यापारी हैं, जो व्यापार अपनी व्यवसाय दुकान खोल के कर रहे हैं, उनका व्यवसाय बराबर चल। इस दौरान बिहार व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रमोद केसरी, मानिकपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद शहीर, पूर्व चेयरमैन हासिम भाई, रोहित केसरवानी, विजय अग्रहरी, सानू अंसारी, नसर सिद्दीकी, राजेश साहू, अर्जुन साहू समेत सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें।